मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो ये नागरिकता बिल लाए हैं और उसके विरोध में ही आज ये प्रदर्शन हो रहा है। ये भारत देश है, अखंड देश है, इसमें सभी को साथ रहने का और उसका अधिकार। यहाँ पायलट साहब के नेतृत्व में और इसमें फ्लैग मार्च होगा। CAA के साथ NRC को लेकर लगातार कांग्रेस फ्लैग मार्च और धरने प्रदर्शन करके केंद्र सरकार को घेर रही है। इसी को लेकर जयपुर में फ्लैग मार्च शहीद स्मारक से शुरू होकर के PCC कार्यालय पहुंचा। मार्च के दौरान देश बचाओ संविधान बचाओ के नारे लगाए गए, साथ ही शहीद स्मारक वंदे मातरम के नारों से गुंजायमान हो उठा। इस दौरान राजस्थान सरकार के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, देवस्थान एवं पर्यटन विभाग कैबिनेट मंत्री विश्वेंद्र सिंह, शहरी विकास एवं आवास मंत्री शांति धारीवाल, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री भंवरलाल मेघवाल और राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष वैभव गहलोत समेत कांग्रेस पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। आपको बता दें कि इस फ्लैग मार्च का निर्देश सोनिया गांधी द्वारा पूरे देश में दिया गया था। इसकी जानकारी पायलट द्वारा पहले ही विधायकों को दे दी गई थी, जिस पर उन्होंने कहा था कि केंद्र की नीतियों के खिलाफ एवं देश की अर्थव्यवस्था को लेकर भारत बचाओ संविधान बचाओ के तहत फ्लैग मार्च किया जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद हैं धौलपुर से आए हुए, धौलपुर के बसेड़ी तहसील से आए हुए कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता जो कि वहाँ के अभी प्रधान भी हैं। अभी इनसे बात करते हैं कि आप यहाँ आए हैं तो किस प्रकार से फ्लैग मार्च में आप यहाँ पे आए हो, किस प्रकार से देखते हो? जिस प्रकार से मोदी जी ने एक बिल जो संशोधन किया है नागरिकता का, जो हमारे देश में जन्म लिया है और उनके लिए भी नागरिकता जरूरी हो गई है, तो उसके जो संविधान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उस संविधान को बचाने के लिए, देश को बचाने के लिए आज हम सब लोग यहाँ पायलट साहब के नेतृत्व में यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और इसमें फ्लैग मार्च होगा। बाकी जो जन विरोधी नीतियाँ हैं उनके बारे में यहाँ सब लोगों को बताएंगे और उसके विरोध में ही आज ये प्रदर्शन हो रहा है। जो हमारे जो बिल लाए हैं मोदी जी, उसके लिए जो आज इकट्ठे हुए हैं उसको लगाएंगे। जो जी बिल्कुल, आप इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहोगे? हम जी कहेंगे कि जो मोदी जी की जो नीतियाँ हैं उनके विरोध में, और जहाँ पायलट साहब के संरक्षण में जो कांग्रेस ने जो बिगुल बजाया है और उसको तरफ से मतलब जैसे लड़ाई जी। तो बिल्कुल, अभी ये बोल रहे हैं कि मोदी की नीतियों को लेकर कुछ इन्होंने बातचीत की है, इन्होंने बताया कि मोदी की नीतियाँ कुछ गलत हैं इनके। इसी के साथ और भी कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? ये रूपबास से ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रूपबास, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि जो ये नागरिकता बिल लाए हैं ये बिल्कुल देश हित में नहीं है और इसका कांग्रेस घोर विरोध कर रही है और पूरे हिंदुस्तान में ही इसका विरोध हो रहा है। जो यहाँ पर आए हैं, जो रह रहे हैं, उनको सबको नागरिकता मिलनी चाहिए। ये भारत देश है, अखंड देश है, इसमें सभी को साथ रहने का और उसका अधिकार है। जी बिल्कुल, तो यहाँ के कार्यकर्ताओं से बात करने के बाद पता चला कि जिस प्रकार से ये मोदी सरकार की नीतियों को लेकर जिस प्रकार से यहाँ पे आज इकट्ठा हुए फ्लैग मार्च, जो कि आप देख सकते हो यहाँ पे किस प्रकार से भारी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भारी तादाद में यहाँ पे भीड़ जमा हुई है और यहाँ से PCC कार्यालय जाएंगे। और ये बता दें आपको, 134वां कांग्रेस का स्थापना दिवस है जिसमें फ्लैग मार्च मनाया जाएगा। यहाँ से रवाना होने के बाद सचिन पायलट जी PCC कांग्रेस पर ध्वजारोहण करेंगे। कैमरामैन राजेंद्र जी के साथ मैं प्रिंस परमार, सिटीजन वॉइस जयपुर। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए सिटीजन वॉइस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को